हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैटर के तीन स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ा था। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है। जनरली देखा जाए तो गैस और वेपर में कोई डिफरेंस नहीं है। वेपर वर्ड का यूज उन गैस के लिए किया जाता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, पानी के गैसीय रूप को वेपर कहा जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसमें हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। दो थर्मामीटर लेंगे, एक थर्मामीटर को ए और दूसरे को बी के नाम से लेबल कर लेंगे। थर्मामीटर ए का जो बल्ब है उसे वाइट क्लॉथ और थर्मामीटर बी का बल्ब को ब्लैक क्लॉथ से कवर करेंगे। अब दोनों थर्मामीटर को एक ही टेम्परेचर पर सनलाइट में रखेंगे और 10 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि थर्मामीटर ए का टेम्परेचर बी की तुलना में कम है। इससे यह पता चलता है कि बी के बल्ब द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब किया गया है वह ए के तुलना में अधिक है। इसलिए सोलर कुकर को डिजाइन करने के लिए ब्लैक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्लाज्मा स्टेट। यह स्टेट मैटर के तीन स्टेट में से किसी में भी फिट नहीं है, इसलिए इसे अक्सर मैटर के फोर्थ स्टेट कहा जाता है। प्लाज्मा की खोज कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मिले हैं। आपने फ्लूरोसेंट और नियॉन साइन बल्ब्स को देखा होगा। फ्लूरोसेंट ट्यूब में हीलियम और कुछ अदर गैस होते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट को गैस से गुजारा जाता है तो यह चमकते हुए प्लाज्मा को प्रोड्यूस करती है। गैस के नेचर के आधार पर एक विशेष रंग होता है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज बोस इंस्टेंट कंडेंसेट। 1920 में इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने अपनी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के आधार पर मैटर के पांचवें स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। आइंस्टीन ने भी इस तरह के मैटर की संभावना का अनुमान लगाया था। बाद में अमेरिका के तीन साइंटिस्ट ने मिलकर लो डेंसिटी वाले गैस को सुपर कूल करके इसे प्राप्त किया था। इस प्रोसेस को बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन कहा जाता है और इस स्टेट ऑफ मैटर को बोस इंस्टेंट कंडेंसेट। इसे और डिटेल से हायर क्लास में इसका स्टडी करना है।